सो हे गाइस, वेलकम टू द चैनल क्रिएटोरियन। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप एक कलरफुल स्पेक्ट्रम की इंस्टाग्राम स्टेटस वीडियो क्रिएट कर पाओगे। तो काइनेमास्टर को ओपन करके ब्लैक कलर की बैकग्राउंड को आप यहाँ पे पहले इंपोर्ट कर लो। इसके बाद बैकग्राउंड की ड्यूरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज करके मैं यहाँ पे अपनी गैलरी में से एक इमेज को इम्पोर्ट कर लूंगा। तो आप यहाँ पे कोई भी इमेज को इम्पोर्ट कर सकते हो। इमेज की जो ड्यूरेशन है उसको इंक्रीज करके इमेज की लेयर को सिलेक्ट करके आपको जाना होगा मिडिल वाली ऑप्शन पे। इसके बाद आप इसको फुल स्क्रीन कर देना। अब लेयर ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पे एक लाइट लीक की वीडियो को इंपोर्ट कर लेना। वीडियो को इंपोर्ट करने के बाद सेम तरीके से इसको भी आप फुल स्क्रीन कर देना। इसके बाद लाइट लीक वीडियो की लेयर को सिलेक्ट करके आपको जाना होगा ब्लेंडिंग ऑप्शन पे। तो ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाके यहाँ से आप स्क्रीन ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना। स्क्रीन ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद एडजस्टमेंट ऑप्शन पे जाके जो मिडिल वाला जो स्केल है उसको आप फुल कर देना, एंड जो लास्ट स्केल है उसको आप 150 पे सेट कर देना। इसके बाद में अगर वीडियो को प्ले करता हूँ, इमेज के ऊपर एक रेड एंड ब्लू लाइट की जो वीडियो है या फिर जो इफेक्ट है वो हमें देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। अब लेयर ऑप्शन पे क्लिक करके मैं गैलरी में से एक कलरफुल स्पेक्ट्रम की वीडियो को इंपोर्ट कर लूंगा। तो इंपोर्ट करने के बाद आपको जाना होगा ब्लेंडिंग ऑप्शन पे। तो ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाके आप यहाँ पे सेम तरीके से स्क्रीन ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना। स्क्रीन ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद सेम तरीके से एडजस्टमेंट ऑप्शन पे जाके लास्ट स्केल को आप 125 पे सेट कर देना। इसके बाद स्पेक्ट्रम वीडियो को आप अपने हिसाब से थोड़ा सा रिसाइज कर लेना, एंड इसको आप इमेज की एकदम नीचे की तरफ प्लेस कर देना। तो चलिए एक बार वीडियो को प्ले करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कर देना वीडियो को, एंड चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद मैं यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करके म्यूजिक वर्ड को टाइप कर लूंगा। तो आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हो अपनी वीडियो के हिसाब से। टेक्स्ट को ऐड करने के बाद फॉन्ट स्टाइल को चेंज करके मैं यहाँ पे क्विक सैंड लाइट को सिलेक्ट करने वाला हूँ। इसके बाद टेक्स्ट को थोड़ा सा रिसाइज करके इसको आप जो स्पेक्ट्रम वीडियो है उसकी एकदम मिडिल पे प्लेस कर देना। अब टेक्स्ट की ड्यूरेशन को भी आप थोड़ा सा इंक्रीज कर देना। इसके बाद और एक टेक्स्ट को ऐड करके मैं यहाँ पे मूड वर्ड को टाइप कर लूंगा। तो मूड वर्ड को टाइप करने के बाद इसकी फॉन्ट स्टाइल को चेंज करके क्विक सैंड रेगुलर को सिलेक्ट कर लूंगा। अब टेक्स्ट को आप अपने हिसाब से रिसाइज करके इसको आप इमेज की एकदम ऊपर की तरफ सेट कर देना। तो सेट करने के बाद इसकी इन एनिमेशन के लिए आप स्लाइड डाउन ऑप्शन को सिलेक्ट करके इसकी इन एनिमेशन टाइम को आप थोड़ा सा इंक्रीज कर देना। इसके बाद मैं यहाँ पे एक पार्टिकल्स की वीडियो को इंपोर्ट करके वीडियो की लेयर को सिलेक्ट करके इसको मैं फुल स्क्रीन कर दूंगा। वीडियो को फुल स्क्रीन करने के बाद आपको जाना होगा ब्लेंडिंग ऑप्शन पे। तो ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाके आपको सेम तरीके से स्क्रीन ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। ये सब कुछ हो जाने के बाद म्यूजिक को ऐड करने के लिए ऑडियो ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने मोबाइल में से कोई भी म्यूजिक को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो म्यूजिक को ऐड करने के लिए जो म्यूजिक नेम है उसके ऊपर क्लिक करके प्लस आइकॉन पे आपको क्लिक करना होगा। तो म्यूजिक को ऐड करने के बाद चलिए एक बार फाइनल वीडियो को प्ले करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हो तो आप मुझको कमेंट कर सकते हो या फिर मुझको आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इसके बाद इस फाइनल वीडियो को आप एक्सपोर्ट कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर से मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए दिस इज शुभदीप पाल साइनिंग ऑफ। बाय बाय।